एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा। छह दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृहमंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। ये आवाज है राम भक्त कल्याण सिंह की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनके शासनकाल में 1992 में अयोध्या में गुलामी का प्रतीक बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था। दरअसल उस दिन दोपहर 1 बजे देश के गृह मंत्री एसबी चौहान ने कल्याण सिंह को फोन किया था और कल्याण सिंह ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि वो कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। कल्याण सिंह ने जो कहा था वो करके दिखाया और नतीजा ये हुआ कि कार सेवकों ने कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को मिट्टी में मिला दिया, जो करीब 500 सालों से अयोध्या में खड़ी थी। कल्याण सिंह जानते थे कि उनके इस कदम के बाद उनकी सरकार गिरा दी जाएगी और हुआ भी यही। राम भक्त कल्याण के लिए सत्ता से बढ़कर प्रभु श्री राम थे। उन्होंने बाबरी विध्वंस की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 6 दिसंबर की शाम होते होते उनकी सरकार गिरा दी गई। आज अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसकी नींव में कल्याण सिंह का त्याग और शौर्य भी है। आज अगर बीजेपी केंद्र में सत्ता में है तो उसके लिए कल्याण सिंह का सत्ता का बलिदान भी है। आज अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनकी जमीन तैयार करने वालों में कल्याण सिंह का योगदान भी है। जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अपना जनाधार बनाया था, उस राम मंदिर के सपने को साकार करने के लिए कल्याण सिंह ने अपनी सरकार दांव पर लगा दी थी। बीजेपी भी कल्याण सिंह के योगदान का सम्मान करती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गंभीर रूप से बीमार कल्याण सिंह के सामने कृतज्ञता से भरी ये तस्वीर इसकी साक्षी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये जानकर कि जेपी नड्डा के साथ बातचीत के दौरान कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया, मैं काफी भावुक हो गया। मेरे पास भी उनके साथ बातचीत की कई यादें हैं। ये बात जानने के बाद इस तरह की स्मृतियां एक बार फिर ताजा हो गईं। उनसे बातचीत हमेशा कुछ ना कुछ सिखा गई। आज बीजेपी जिस राम मंदिर के नाम पर एक मजबूत पार्टी बनी है, उसकी नींव में कल्याण सिंह का संकल्प शामिल है। जब जब राम मंदिर की बात होगी, कल्याण सिंह का नाम याद किया जाएगा, जिनके शासन काल में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और उन पर आरोप लगे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को टूटने से नहीं बचाया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बेझिझक मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा भी दे दिया। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें बाबरी मस्जिद न बचाने के लिए 1 दिन की सजा भी हुई थी। दरअसल 1991 में यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही कल्याण सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। सीबीआई में दायर एक चार्जशीट में कहा गया था कि सीएम बनने के बाद कल्याण सिंह अयोध्या दौरे पर गए थे और वहां जाकर राम मंदिर का निर्माण करने की शपथ ली थी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही उनकी अध्यक्षता में पर्यटन विभाग ने विवादित ढांचे के ठीक सामने 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। सरकार की दलील थी कि इससे अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अधिग्रहण की गई जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सिर्फ 1 रुपए की लीज पर दे दी गई। कल्याण सिंह सरकार का मकसद था मंदिर निर्माण के लिए संदेश देना कि हम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बात 1991 की है।
तब मुस्लिम संगठनों ने कल्याण सिंह सरकार के जमीन अधिग्रहण के फैसले का विरोध किया था, जिसके चलते मामला कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर पक्के निर्माण पर रोक लगा दी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि विवादित ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और जमीन अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मानने का निर्देश दिया। यानी कोर्ट के आदेश के अनुसार बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी कल्याण सिंह सरकार की थी। जुलाई 1992 में देश के कोने कोने से कार सेवकों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था कि देश के ज्यादातर लोग राम और अयोध्या में दिलचस्पी लेने लगे थे। इस बार कार सेवक अयोध्या में एक ऐसे जगह चबूतरे के निर्माण के इरादे से पहुंच रहे थे जहां निर्माण कार्य पर कोर्ट की ओर से मनाही थी। हालांकि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने केंद्र सरकार को यह भरोसा दिया था कि विवादित ढांचे की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है, विवादित ढांचे पर किसी को चढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनकी सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। अदालत की रोक के बावजूद कार सेवक अयोध्या में चबूतरे के निर्माण के लिए पहुंच चुके थे। 27 नवंबर तक देश के अलग अलग कोनों से 10,000 से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे। हालात को देखते हुए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 195 पैरामिलिट्री फोर्स अयोध्या में तैनात कर दी थी। 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या से करीब 125 किलोमीटर दूर लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जमीन समतल करने की बात की तो लाल कृष्ण आडवाणी ने संकल्प पूरा करने के लिए बलिदान देने की बात की। उसी दिन विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि कार सेवा सिर्फ भजन कीर्तन के लिए नहीं है, बल्कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए है। दूसरी ओर अयोध्या में मौजूद कार सेवकों का जोश खतरनाक समुद्री लहरें की तरह उफाने मार रहा था। अगले दिन यानी 6 दिसंबर को कार सेवा होनी थी। दिन में दोपहर 12 बजे का मुहूर्त निकाला गया था। कार सेवा से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर तक अयोध्या में 2,00,000 से ज्यादा कार सेवक मौजूद थे। इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में कार सेवकों का अयोध्या में जमावड़ा नहीं लगा था। कल्याण सिंह तब लखनऊ से ही स्थिति पर नजर रखे हुए थे। 6 दिसंबर को जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराना शुरू कर दिया तो कल्याण सिंह टीवी पर देखकर चिंतित तो थे पर विचलित नहीं थे। कल्याण सिंह सरकार की ओर से पुलिस को बल प्रयोग नहीं करने के सख्त आदेश दिए गए थे। ऐसे में यूपी पुलिस के जवान चाहकर भी कार सेवकों को नहीं रोक पा रहे थे। उस समय तत्कालीन डीजीपी SM त्रिपाठी भागते हुए कल्याण सिंह के पास गए। उन्होंने कल्याण सिंह को बताया कि कार सेवक विवादित ढांचे को तोड़ रहे हैं, ऐसे में फायरिंग की परमिशन चाहिए। कल्याण सिंह ने डीजीपी से पूछा कि फायरिंग में कितने लोग मारे जाएंगे। इस पर डीजीपी बोले कि कार सेवकों ने पूरे तरीके से विवादित स्थल को घेरा हुआ है, वह लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और अगर प्रशासन फायरिंग करता है तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इस बात पर कल्याण सिंह ने कह दिया, या तो आंसू गैस चलाइए या लाठीचार्ज करिए, लेकिन मैं फायरिंग की परमिशन नहीं दे सकता। इसके बाद कल्याण सिंह ने यह भी कहा कि आप चाहें तो मैं कागज पर लिखकर दे सकता हूं कि आपने तो अनुमति मांगी थी लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं दी। ये सुनकर DGP वापस चले गए और इसी दौरान तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने कल्याण सिंह को फोन किया था, जिसके बारे में उन्होंने भाषण में बताया था कि 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री चौहान जी का मेरे पास फोन आया था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं, आपके पास क्या सूचना है। तब कल्याण सिंह ने उन्हें बताया था कि मेरे पास एक कदम आगे की सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं और उन्होंने गुंबद को तोड़ना भी शुरू कर दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन हाँ गोली चलाने के अलावा जो भी काम हालात को नियंत्रण में लाने के लिए किए जा सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे ही बाबरी मस्जिद की आखिरी ईंट गिरी, कल्याण सिंह ने अपना CM वाला राइटिंग पैड मंगाया और इस्तीफा लिख दिया। उनका कहना था कि ये सरकार श्री राम के मंदिर के नाम पर ही बनाई गई थी, अब सरकार का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए अब सरकार श्री राम मंदिर के नाम पर कुर्बान होने को भी तैयार है। बाबरी विध्वंस पर जिन 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें से एक नाम कल्याण सिंह का भी था। 2019 में CBI कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया।
कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर की घटना पर एनडीटीवी पर दिए एक इंटरव्यू में बड़ी ही बेबाकी से कहा था कि अगर मैं गोली चलाने का आदेश देता तो हजारों कारसेवक मारे जाते और मैं ये पाप नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि वो 6 दिसंबर राष्ट्रीय शर्म का नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व का दिन मानते हैं। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हिंदुओं की गुलामी का एक प्रतीक थी, 6 दिसंबर को राम जन्मभूमि की मुक्ति हुई, मैंने प्रशासन को कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मना किया था, मैं आज भी कार सेवकों पर गोली ना चलाने के आदेश पर गर्व करता हूं। कल्याण सिंह ने कहा था कि ढांचा गिरने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे से बड़ी कीमत क्या दे सकता हूं, अगर विवादित ढांचा ना गिरता तो मंदिर बनना नामुमकिन होता। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिससे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सोचिए अगर 6 दिसंबर 1992 के दिन कल्याण सिंह की जगह मुलायम सिंह जैसा कोई नेता मुख्यमंत्री होता तो कितने कार सेवकों को गोली मार दी जाती, ठीक वैसे ही जैसे नवंबर 1990 में मारी गई थी जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। और जिस राम मंदिर का सपना देश के श्रद्धालु सैकड़ों साल से देख रहे थे वो आज भी सिर्फ एक सपना ही होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।